नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इंडियन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। भारतीय 2001 फिल्म। इंडियन 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एन महाराजन द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल है और शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और राहुल देव भी अन्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म बल्लारासु की रीमेक है और 26 अक्टूबर 2001 को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ रिलीज़ हुई थी। ने घरेलू कमाई रुपए अपने शुरुआती दिन में 18.0 मिलियन रुपए 150 मिलियन के बजट पर बनी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में रुपए 540 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म एक मजबूत बहादुर पुलिसकर्मी की कहानी बताती है, जिस पर अपने ससुर की रहस्यमयी हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। यह 280 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ भारत में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। निर्देशक एन महाराजनी पटकथा की है। एन महाराजनी कहानी द्वारा एन महाराजनी पर आधारित बल्लारासु 2000 एन महाराजनी द्वारा उत्पादित धर्मेंद्र अभिनीत सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि, राहुल देव, छायांकन ए रमेश कुमार द्वारा संपादित बी एस बासु सलीम, संगीत दिया है आनंदराज आनंद प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 178 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बजट रुपये 150 मिलियन। बॉक्स ऑफिस रुपये 540 मिलियन। भूखंड राजशेखर आज़ाद एक ईमानदार डीसीपी, जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है, लक्ष्य के लिए अपने नाम से अटूट देशभक्ति का उदय हुआ। लेकिन ऐसे हर देशभक्त के लिए समान रूप से प्रेरित आतंकवादी होता है।
एक खूंखार आतंकवादी वसीम खान को राज के ससुर और भ्रष्ट डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, कई पुलिस अधिकारी और प्रभावशाली उद्योगपति शंकर सिंघानिया की मदद मिलती है। राज का रास्ता बाधाओं से भरा है, लेकिन वह कानून के दायरे में दुष्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राज वसीम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछताछ का जिम्मा सौंपा जाता है। वसीम को एक विशेष प्रकोष्ठ में रखा गया है, लेकिन फिर भी वह जेल के भीतर से शहर में दंगों की व्यवस्था करता है। राज को पता चलता है कि सूर्य वसीम का साथी है। वह सूर्य को मारता है और अपने दामाद के रूप में उसका अंतिम संस्कार करता है। उसकी पत्नी अंजलि घटना और सूर्य के कुकर्मों से अनजान है। ढालना डीसीपी राजशेखर राज आज़ाद के रूप में सनी देओल, अंजलि सिंह आज़ाद के रूप में शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, शंकर सिंघानिया के रूप में वसीम खान, अल्लाह बख्श के रूप में मुकेश ऋषि, डबल रोल प्रताप सिन्हा के रूप में राहुल देव, राज बब्बर के रूप में डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल पुलिस आयुक्त के रूप में जोगिंदर सिंह के रूप में ओमपुरी, हवलदार मुश्ताक सिंह के रूप में राणा जंग बहादुर, दीपक शिर्के उत्तर प्रदेश के मंत्री वीर बहादुर सिंह के रूप में रजत बेदी, संजय सिंघानिया के रूप में बेस्ट कर्मचारी के रूप में सुरेश भागवत, फ्रांसिस के रूप में सलीम घोष, अवतार गिल एडवोकेट गिल के रूप में आभूषण की दुकान के मालिक के रूप में दिनेश हिंगू, रहीम के रूप में संजय नार्वेकर, रहीम के पिता के रूप में शक्ति कपूर, श्रीमती सूर्य प्रताप सिंह के रूप में रीमा लागू, बिजू खोटे इंस्पेक्टर देशभक्त के रूप में इंस्पेक्टर पाटिल के रूप में शिवा रिंदानी, प्रमोद मुथु इंस्पेक्टर माउथो के रूप में प्रमोद माउथो के रूप में धनंजय मांड्रेकर इंस्पेक्टर के रूप में इमाम साहब के रूप में धर्मेश तिवारी, सोफिया हक एक आइटम नंबर ये प्यार के रूप में मलाइका अरोड़ा, आइटम नंबर ये प्यार के रूप में
गीत संगीत सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं। शीर्षक वर्टन वालों, गायक रूप कुमार राठौर, दीवाने शान अलका याग्निकी। ये प्यार ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान। रविधि कसम उदित नारायण, अलका याग्निकी, जाना मेन अभिजीत, साधना सरगम, थात नवावी आनंद राज आनंद, अलका याग्निकी। स्वागत वेबसाइट ऑनलाइन बेंगलोर ने फिल्म को देशभक्ति के रूप में वर्णित किया और फिल्म को ऐसे स्टंट के रूप में वर्णित किया जो जीवंत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता के लिए अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी अत्यधिक लंबी अवास्तविक अत्यधिक गंभीर और रोमांस की कमी होने के लिए भी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के खालिद मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में फिल्म को मेसी बैंग ए बैंग फिल्म के रूप में वर्णित किया। परिणाम एक सिक्वल बनाने जिसे इंडियन 2 कहा जाएगा और सनी देओल को अभिनीत करने और महाराजन द्वारा निर्देशित करने की घोषणा 2018 में की गई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इंडियन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। भारतीय 2001 फिल्म। इंडियन 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एन महाराजन द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल है और शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और राहुल देव भी अन्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म बल्लारासु की रीमेक है और 26 अक्टूबर 2001 को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ रिलीज हुई थी। ने घरेलू कमाई
रुपए अपने शुरुआती दिन में 18.0 मिलियन रुपए 150 मिलियन के बजट पर बनी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में रुपए 540 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म एक मजबूत बहादुर पुलिसकर्मी की कहानी बताती है, जिस पर अपने ससुर की रहस्यमयी हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। यह 280 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ भारत में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। निर्देशक एन महाराजनी पटकथा की है। एन महाराजनी कहानी द्वारा एन महाराजनी पर आधारित बल्ला रासू 2000 एन महाराजनी द्वारा उत्पादित धर्मेंद्र अभिनीत सनी देओल शिल्पा शेट्टी डैनी डेंजो गपा राज बब्बर मुकेश ऋषि राहुल देव छायांकन ए रमेश कुमार द्वारा संपादित बी एस बासु सलीम संगीत दिया है आनंद राज आनंद प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स द्वारा वितरित इरोज इंटरनेशनल रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001 कार्यकारी समय 178 मिनट देश इंडिया भाषा हिंदी बजट रुपये 150 मिलियन बॉक्स ऑफिस रुपये 540 मिलियन भूखंड राजशेखर आज़ाद एक ईमानदार डीसीपी जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है, लक्ष्य के लिए अपने नाम से अटूट देशभक्ति का उदय हुआ। लेकिन ऐसे हर देशभक्त के लिए समान रूप से प्रेरित आतंकवादी होता है। एक खूंखार आतंकवादी वसीम खान को राज के ससुर और भ्रष्ट डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह कई पुलिस अधिकारी और प्रभावशाली उद्योगपति शंकर सिंघानिया की मदद मिलती है। राज का रास्ता बाधाओं से भरा है, लेकिन वह कानून के दायरे में दुष्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राज वसीम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछताछ का जिम्मा सौंपा जाता है। वसीम को एक विशेष प्रकोष्ठ में रखा गया है, लेकिन फिर भी वह जेल के भीतर से शहर में दंगों की व्यवस्था करता है। राज को पता चलता है कि सूर्य वसीम का साथी है। वह सूर्य को मारता है और अपने दामाद के रूप में उसका अंतिम संस्कार करता है। उसकी पत्नी अंजलि घटना और सूर्य के कुकर्मों से अनजान है।
ढालना, डीसीपी राजशेखर राज आज़ाद के रूप में सनी देओल, अंजलि सिंह आज़ाद के रूप में शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, शंकर सिंघानिया के रूप में वसीम खान, अल्लाह बख्श के रूप में मुकेश ऋषि डबल रोल, प्रताप सिन्हा के रूप में राहुल देव, राज बब्बर के रूप में डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल पुलिस आयुक्त के रूप में जोगिंदर सिंह के रूप में ओमपुरी, हवलदार मुश्ताक सिंह के रूप में राणा जंग बहादुर, दीपक शिर्के उत्तर प्रदेश के मंत्री वीर बहादुर सिंह के रूप में रजत बेदी, संजय सिंघानिया के रूप में बेस्ट कर्मचारी के रूप में सुरेश भागवत, फ्रांसिस के रूप में सलीम घोष, अवतार गिल एडवोकेट गिल के रूप में आभूषण की दुकान के मालिक के रूप में दिनेश हिंगू, रहीम के रूप में संजय नार्वेकर, रहीम के पिता के रूप में शक्ति कपूर, श्रीमती सूर्य प्रताप सिंह के रूप में रीमा लागू, बिजू खोटे इंस्पेक्टर देशभक्त के रूप में इंस्पेक्टर पाटिल के रूप में शिवारिंदानी, प्रमोद मुथु इंस्पेक्टर माउथो के रूप में प्रमोद माउथो के रूप में धनंजय मांडरेकर इंस्पेक्टर के रूप में इमाम साहब के रूप में धर्मेश तिवारी, सोफिया हक एक आइटम नंबर ये प्यार के रूप में मलाइका अरोड़ा, आइटम नंबर ये प्यार के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं, शीर्षक वर्टन वालो, गायक रूप कुमार राठौर, दीवाने शान अलका याग्निकी, ये प्यार ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान, रवि दी कसम, उदित नारायण, अलका याग्निकी, जाना मेन, अभिजीत, साधना सरगम, थात नवावी, आनंद राज आनंद, अलका याग्निकी, स्वागत, वेबसाइट ऑनलाइन बेंगलोर ने फिल्म को देशभक्ति के रूप में वर्णित किया और फिल्म को ऐसे स्टंट के रूप में वर्णित किया जो जीवंत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता के लिए अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी अत्यधिक लंबी अवास्तविक
अत्यधिक गंभीर और रोमांस की कमी होने के लिए भी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के खालिद मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में फिल्म को मेसी बैंग ए बैंग फिल्म के रूप में वर्णित किया। परिणाम एक सिक्वल बनाने जिसे इंडियन 2 कहा जाएगा और सनी देओल को अभिनीत करने और महाराजन द्वारा निर्देशित करने की घोषणा 2018 में की गई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इंडियन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। भारतीय 2001 फिल्म। इंडियन 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एन महाराजन द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल है और शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और राहुल देव भी अन्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म बल्लारासु की रीमेक है और 26 अक्टूबर 2001 को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ रिलीज हुई थी। ने घरेलू कमाई रुपए अपने शुरुआती दिन में 18.0 मिलियन रुपए 150 मिलियन के बजट पर बनी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में रुपए 540 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म एक मजबूत बहादुर पुलिसकर्मी की कहानी बताती है, जिस पर अपने ससुर की रहस्यमयी हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। यह 280 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ भारत में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। निर्देशक एन महाराजनी पटकथा की है। एन महाराजनी कहानी द्वारा एन महाराजनी पर आधारित बल्लारासु 2000 एन महाराजनी द्वारा उत्पादित धर्मेंद्र अभिनीत सनी देओल शिल्पा शेट्टी डैनी डेंजोगप्पा राज बब्बर मुकेश ऋषि राहुल देव छायांकन ए रमेश कुमार द्वारा संपादित बी एस बासु सलीम
संगीत दिया है आनंद राज आनंद, प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज़ इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 178 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बजट ₹150 मिलियन। बॉक्स ऑफिस ₹540 मिलियन। भूखंड राजशेखर आज़ाद, एक ईमानदार DCP जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है। लक्ष्य के लिए अपने नाम से अटूट देशभक्ति का उदय हुआ, लेकिन ऐसे हर देशभक्त के लिए समान रूप से प्रेरित आतंकवादी होता है। एक खूंखार आतंकवादी वसीम खान को राज के ससुर और भ्रष्ट DGP सूर्य प्रताप सिंह, कई पुलिस अधिकारी और प्रभावशाली उद्योगपति शंकर सिंघानिया की मदद मिलती है। राज का रास्ता बाधाओं से भरा है, लेकिन वह कानून के दायरे में दुष्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राज वसीम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछताछ का जिम्मा सौंपा जाता है। वसीम को एक विशेष प्रकोष्ठ में रखा गया है, लेकिन फिर भी वह जेल के भीतर से शहर में दंगों की व्यवस्था करता है। राज को पता चलता है कि सूर्य वसीम का साथी है। वह सूर्य को मारता है और अपने दामाद के रूप में उसका अंतिम संस्कार करता है। उसकी पत्नी अंजलि घटना और सूर्य के कुकर्मों से अनजान है। ढालना DCP राजशेखर राज आज़ाद के रूप में सनी देओल, अंजलि सिंह आज़ाद के रूप में शिल्पा शेट्टी। डैनी डेंजोगप्पा शंकर सिंघानिया के रूप में वसीम खान, अल्लाहबख्श के रूप में मुकेश ऋषि, डबल रोल प्रताप सिन्हा के रूप में राहुल देव, राज बब्बर के रूप में DGP सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल पुलिस आयुक्त के रूप में जोगिंदर सिंह के रूप में ओमपुरी, हवलदार मुश्ताक सिंह के रूप में राणा जंग बहादुर, दीपक शिर्के उत्तर प्रदेश के मंत्री वीर बहादुर सिंह के रूप में रजत बेदी, संजय सिंघानिया के रूप में बेस्ट कर्मचारी के रूप में सुरेश भागवत, फ्रांसिस के रूप में सलीम घोष, अवतार गिल एडवोकेट गिल के रूप में आभूषण की दुकान के मालिक के रूप में दिनेश
हिंगू रहीम के रूप में संजय नार्वेकर, रहीम के पिता के रूप में शक्ति कपूर, श्रीमती सूर्य प्रताप सिंह के रूप में रीमा लागू, बिजू खोटे इंस्पेक्टर देशभक्त के रूप में इंस्पेक्टर पाटिल के रूप में शिवा रिंदानी, प्रमोद मुथु इंस्पेक्टर माउथो के रूप में प्रमोद माउथो के रूप में धनंजय मांड्रेकर इंस्पेक्टर के रूप में इमाम साहब के रूप में धर्मेश तिवारी, सोफिया हक एक आइटम नंबर ये प्यार के रूप में मलाइका अरोड़ा, आइटम नंबर ये प्यार के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं। शीर्षक वर्टन वालो, गायक रूप कुमार राठौर, दीवाने शान अलका याग्निकी। ये प्यार ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान, रविदी कसम, उदित नारायण, अलका याग्निकी, जाना मेन, अभिजीत, साधना सरगम, थात नवावी, आनंद राज आनंद, अलका याग्निकी। स्वागत वेबसाइट ऑनलाइन बेंगलोर ने फिल्म को देशभक्ति के रूप में वर्णित किया और फिल्म को ऐसे स्टंट के रूप में वर्णित किया जो जीवंत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता के लिए अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी अत्यधिक लंबी अवास्तविक, अत्यधिक गंभीर और रोमांस की कमी होने के लिए भी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के खालिद मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में फिल्म को मेसी बैंग ए बैंग फिल्म के रूप में वर्णित किया। परिणाम एक सिक्वल बनाने जिसे इंडियन 2 कहा जाएगा और सनी देओल को अभिनीत करने और महाराजन द्वारा निर्देशित करने की घोषणा 2018 में की गई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इंडियन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। भारतीय 2001 फिल्म। इंडियन 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एन महाराजन द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल है और शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और राहुल देव भी अन्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म बल्लारासु की रीमेक है और 26 अक्टूबर 2001 को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ रिलीज हुई थी। ने घरेलू कमाई रुपए अपने शुरुआती दिन में 18.0 मिलियन रुपए 150 मिलियन के बजट पर बनी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में रुपए 540 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म एक मजबूत बहादुर पुलिसकर्मी की कहानी बताती है, जिस पर अपने ससुर की रहस्यमयी हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। यह 280 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ भारत में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। निर्देशक एन महाराजनी पटकथा की है। एन महाराजनी कहानी द्वारा एन महाराजनी पर आधारित बल्लारासु 2000 एन महाराजनी द्वारा उत्पादित धर्मेंद्र अभिनीत सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि, राहुल देव, छायांकन ए रमेश कुमार द्वारा संपादित बी एस बासु सलीम, संगीत दिया है आनंदराज आनंद, प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 178 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बजट रुपये 150 मिलियन। बॉक्स ऑफिस रुपये 540 मिलियन। भूखंड राजशेखर आज़ाद, एक ईमानदार डीसीपी जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है, लक्ष्य के लिए अपने नाम से अटूट देशभक्ति का उदय हुआ। लेकिन ऐसे हर देशभक्त के लिए समान रूप से प्रेरित आतंकवादी होता है। एक खूंखार आतंकवादी वसीम खान को राज के ससुर और भ्रष्ट डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, कई पुलिस अधिकारी और प्रभावशाली उद्योगपति शंकर सिंघानिया की मदद मिलती है।
राज का रास्ता बाधाओं से भरा है, लेकिन वह कानून के दायरे में दुष्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राज वसीम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछताछ का जिम्मा सौंपा जाता है। वसीम को एक विशेष प्रकोष्ठ में रखा गया है, लेकिन फिर भी वह जेल के भीतर से शहर में दंगों की व्यवस्था करता है। राज को पता चलता है कि सूर्य वसीम का साथी है। वह सूर्य को मारता है और अपने दामाद के रूप में उसका अंतिम संस्कार करता है। उसकी पत्नी अंजलि घटना और सूर्य के कुकर्मों से अनजान है। ढालना DCP राजशेखर राज आज़ाद के रूप में सनी देओल, अंजलि सिंह आज़ाद के रूप में शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, शंकर सिंघानिया के रूप में वसीम खान, अल्लाह बख्श के रूप में मुकेश ऋषि डबल रोल, प्रताप सिन्हा के रूप में राहुल देव, राज बब्बर के रूप में DGP सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल पुलिस आयुक्त के रूप में जोगिंदर सिंह के रूप में ओमपुरी, हवलदार मुश्ताक सिंह के रूप में राणा जंग बहादुर, दीपक शिर्के उत्तर प्रदेश के मंत्री वीर बहादुर सिंह के रूप में रजत बेदी, संजय सिंघानिया के रूप में बेस्ट कर्मचारी के रूप में सुरेश भागवत, फ्रांसिस के रूप में सलीम घोष, अवतार गिल एडवोकेट गिल के रूप में आभूषण की दुकान के मालिक के रूप में दिनेश हिंगू, रहीम के रूप में संजय नार्वेकर, रहीम के पिता के रूप में शक्ति कपूर, श्रीमती सूर्य प्रताप सिंह के रूप में रीमा लागू, बिजू खोटे इंस्पेक्टर देशभक्त के रूप में इंस्पेक्टर पाटिल के रूप में शिवारिंदानी, प्रमोद मुथु इंस्पेक्टर माउथो के रूप में प्रमोद माउथो के रूप में धनंजय मांड्रेकर इंस्पेक्टर के रूप में इमाम साहब के रूप में धर्मेश तिवारी, सोफिया हक एक आइटम नंबर ये प्यार के रूप में मलाइका अरोड़ा, आइटम नंबर ये प्यार के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं। शीर्षक वर्टन वालों, गायक रूप कुमार राठौर, दीवाने शान अलका याग्निकी।
ये प्यार, ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान, रवि दी कसम, उदित नारायण, अलका याग्निकी, जाना मेन, अभिजीत, साधना सरगम, थात नवावी, आनंद राज आनंद, अलका याग्निकी, स्वागत, वेबसाइट ऑनलाइन, बेंगलोर ने फिल्म को देशभक्ति के रूप में वर्णित किया और फिल्म को ऐसे स्टंट के रूप में वर्णित किया जो जीवंत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता के लिए अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी अत्यधिक लंबी अवास्तविक, अत्यधिक गंभीर और रोमांस की कमी होने के लिए भी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के खालिद मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में फिल्म को मेसी बैंग ए बैंग फिल्म के रूप में वर्णित किया। परिणाम, एक सिक्वल बनाने जिसे इंडियन 2 कहा जाएगा और सनी देओल को अभिनीत करने और महाराजन द्वारा निर्देशित करने की घोषणा 2018 में की गई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इंडियन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। भारतीय 2001 फिल्म। इंडियन 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एन महाराजन द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल है और शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और राहुल देव भी अन्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म बल्लारासु की रीमेक है और 26 अक्टूबर 2001 को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ रिलीज हुई थी। ने घरेलू कमाई रुपए अपने शुरुआती दिन में 18.0 मिलियन रुपए 150 मिलियन के बजट पर बनी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में रुपए 540 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म एक मजबूत बहादुर
पुलिसकर्मी की कहानी बताती है, जिस पर अपने ससुर की रहस्यमयी हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। यह 280 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ भारत में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। निर्देशक एन महाराजनी पटकथा की है। एन महाराजनी कहानी द्वारा एन महाराजनी पर आधारित बल्ला रासु 2000 एन महाराजनी द्वारा उत्पादित धर्मेंद्र अभिनीत सनी देओल शिल्पा शेट्टी डैनी डेंजोगपा राज बब्बर मुकेश ऋषि राहुल देव छायांकन ए रमेश कुमार द्वारा संपादित बी एस बासु सलीम संगीत दिया है आनंद राज आनंद प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स द्वारा वितरित इरोज इंटरनेशनल रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001 कार्यकारी समय 178 मिनट देश इंडिया भाषा हिंदी बजट रुपये 150 मिलियन बॉक्स ऑफिस रुपये 540 मिलियन भूखंड राजशेखर आज़ाद एक ईमानदार डीसीपी जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है लक्ष्य के लिए अपने नाम से अटूट देशभक्ति का उदय हुआ। लेकिन ऐसे हर देशभक्त के लिए समान रूप से प्रेरित आतंकवादी होता है। एक खूंखार आतंकवादी वसीम खान को राज के ससुर और भ्रष्ट डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह कई पुलिस अधिकारी और प्रभावशाली उद्योगपति शंकर सिंघानिया की मदद मिलती है। राज का रास्ता बाधाओं से भरा है, लेकिन वह कानून के दायरे में दुष्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राज वसीम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछताछ का जिम्मा सौंपा जाता है। वसीम को एक विशेष प्रकोष्ठ में रखा गया है, लेकिन फिर भी वह जेल के भीतर से शहर में दंगों की व्यवस्था करता है। राज को पता चलता है कि सूर्य वसीम का साथी है। वह सूर्य को मारता है और अपने दामाद के रूप में उसका अंतिम संस्कार करता है। उसकी पत्नी अंजलि घटना और सूर्य के कुकर्मों से अनजान है। ढालना डीसीपी राजशेखर राज आज़ाद के रूप में सनी देओल, अंजलि सिंह आज़ाद के रूप में शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, शंकर सिंघानिया के रूप में
वसीम खान, अल्लाह बख्श के रूप में मुकेश ऋषि डबल रोल, प्रताप सिन्हा के रूप में राहुल देव, राज बब्बर के रूप में डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल पुलिस आयुक्त के रूप में जोगिंदर सिंह के रूप में ओमपुरी, हवलदार मुश्ताक सिंह के रूप में राणा जंग बहादुर, दीपक शिर्के उत्तर प्रदेश के मंत्री वीर बहादुर सिंह के रूप में रजत बेदी, संजय सिंघानिया के रूप में बेस्ट कर्मचारी के रूप में सुरेश भागवत, फ्रांसिस के रूप में सलीम घोष, अवतार गिल एडवोकेट गिल के रूप में आभूषण की दुकान के मालिक के रूप में दिनेश हिंगू, रहीम के रूप में संजय नार्वेकर, रहीम के पिता के रूप में शक्ति कपूर, श्रीमती सूर्य प्रताप सिंह के रूप में रीमा लागू, बिजू खोटे इंस्पेक्टर देशभक्त के रूप में इंस्पेक्टर पाटिल के रूप में शिवा रिंदानी, प्रमोद मुथु इंस्पेक्टर माउथो के रूप में प्रमोद माउथो के रूप में धनंजय मांड्रेकर इंस्पेक्टर के रूप में इमाम साहब के रूप में धर्मेश तिवारी, सोफिया हक एक आइटम नंबर ये प्यार के रूप में मलाइका अरोड़ा, आइटम नंबर ये प्यार के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं, शीर्षक वर्टन वालों, गायक रूप कुमार राठौर, दीवाने शान अलका याग्निकी, ये प्यार ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान, रविधि कसम, उदित नारायण, अलका याग्निकी, जाना मेन, अभिजीत, साधना सरगम, थात नवावी, आनंद राज आनंद, अलका याग्निकी, स्वागत, वेबसाइट ऑनलाइन बेंगलोर ने फिल्म को देशभक्ति के रूप में वर्णित किया और फिल्म को ऐसे स्टंट के रूप में वर्णित किया जो जीवंत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता के लिए अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी अत्यधिक लंबी अवास्तविक, अत्यधिक गंभीर और रोमांस की कमी होने के लिए भी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के खालिद मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में फिल्म को मेसी बैंग ए बैंग
फिल्म के रूप में वर्णित किया। परिणाम, एक सिक्वल बनाने जिसे इंडियन 2 कहा जाएगा और सनी देओल को अभिनीत करने और महाराजन द्वारा निर्देशित करने की घोषणा 2018 में की गई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इंडियन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। भारतीय 2001 फिल्म। इंडियन 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एन महाराजन द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल है और शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और राहुल देव भी अन्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म बल्लारासु की रीमेक है और 26 अक्टूबर 2001 को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ रिलीज हुई थी। ने घरेलू कमाई रुपए अपने शुरुआती दिन में 18.0 मिलियन रुपए 150 मिलियन के बजट पर बनी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में रुपए 540 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म एक मजबूत बहादुर पुलिसकर्मी की कहानी बताती है, जिस पर अपने ससुर की रहस्यमयी हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। यह 280 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ भारत में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। निर्देशक एन महाराजनी पटकथा की है। एन महाराजनी कहानी द्वारा एन महाराजनी पर आधारित बल्लारासु 2000 एन महाराजनी द्वारा उत्पादित धर्मेंद्र अभिनीत सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि, राहुल देव, छायांकन ए रमेश कुमार द्वारा संपादित बी एस बासु सलीम, संगीत दिया है आनंदराज आनंद प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 178 मिनट। देश इंडिया। भाषा
हिंदी। बजट रुपये 150 मिलियन। बॉक्स ऑफिस रुपये 540 मिलियन। भूखंड राजशेखर आज़ाद, एक ईमानदार डीसीपी जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है, लक्ष्य के लिए अपने नाम से अटूट देशभक्ति का उदय हुआ। लेकिन ऐसे हर देशभक्त के लिए समान रूप से प्रेरित आतंकवादी होता है। एक खूंखार आतंकवादी वसीम खान को राज के ससुर और भ्रष्ट डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, कई पुलिस अधिकारी और प्रभावशाली उद्योगपति शंकर सिंघानिया की मदद मिलती है। राज का रास्ता बाधाओं से भरा है, लेकिन वह कानून के दायरे में दुष्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राज वसीम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछताछ का जिम्मा सौंपा जाता है। वसीम को एक विशेष प्रकोष्ठ में रखा गया है, लेकिन फिर भी वह जेल के भीतर से शहर में दंगों की व्यवस्था करता है। राज को पता चलता है कि सूर्य वसीम का साथी है। वह सूर्य को मारता है और अपने दामाद के रूप में उसका अंतिम संस्कार करता है। उसकी पत्नी अंजलि घटना और सूर्य के कुकर्मों से अनजान है। ढालना डीसीपी राजशेखर राज आज़ाद के रूप में सनी देओल, अंजलि सिंह आज़ाद के रूप में शिल्पा शेट्टी। डैनी डेंजोगप्पा शंकर सिंघानिया के रूप में वसीम खान, अल्लाहबख्श के रूप में मुकेश ऋषि, डबल रोल प्रताप सिन्हा के रूप में राहुल देव, राज बब्बर के रूप में डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल पुलिस आयुक्त के रूप में जोगिंदर सिंह के रूप में ओमपुरी, हवलदार मुश्ताक सिंह के रूप में राणा जंग बहादुर, दीपक शिर्के उत्तर प्रदेश के मंत्री वीर बहादुर सिंह के रूप में रजत बेदी, संजय सिंघानिया के रूप में बेस्ट कर्मचारी के रूप में सुरेश भागवत, फ्रांसिस के रूप में सलीम घोष, अवतार गिल एडवोकेट गिल के रूप में आभूषण की दुकान के मालिक के रूप में दिनेश हिंगू, रहीम के रूप में संजय नार्वेकर, रहीम के पिता के रूप में शक्ति कपूर, श्रीमती सूर्य प्रताप सिंह के रूप में रीमा लागू, बिजू खोटे इंस्पेक्टर देशभक्त के
रूप में, इंस्पेक्टर पाटिल के रूप में शिवा रिंदानी, प्रमोद मुथु, इंस्पेक्टर माउथो के रूप में प्रमोद माउथो के रूप में धनंजय मांड्रेकर, इंस्पेक्टर के रूप में इमाम साहब के रूप में धर्मेश तिवारी, सोफिया हक एक आइटम नंबर ये प्यार के रूप में मलाइका अरोड़ा, आइटम नंबर ये प्यार के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं, शीर्षक वर्टन वालों, गायक रूप कुमार राठौर, दीवाने शान अलका याग्निकी, ये प्यार ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान, रविधि कसम, उदित नारायण, अलका याग्निकी, जाना मेन, अभिजीत, साधना सरगम, थात नवावी, आनंद राज आनंद, अलका याग्निकी, स्वागत, वेबसाइट ऑनलाइन, बेंगलोर ने फिल्म को देशभक्ति के रूप में वर्णित किया और फिल्म को ऐसे स्टंट के रूप में वर्णित किया जो जीवंत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता के लिए अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी अत्यधिक लंबी अवास्तविक, अत्यधिक गंभीर और रोमांस की कमी होने के लिए भी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के खालिद मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में फिल्म को मेसी बैंग ए बैंग फिल्म के रूप में वर्णित किया। परिणाम एक सिक्वल बनाने जिसे इंडियन 2 कहा जाएगा और सनी देओल को अभिनीत करने और महाराजन द्वारा निर्देशित करने की घोषणा 2018 में की गई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इंडियन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। भारतीय
2001 फिल्म। इंडियन 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एन महाराजन द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल है और शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और राहुल देव भी अन्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म बल्लारासु की रीमेक है और 26 अक्टूबर 2001 को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ रिलीज हुई थी। ने घरेलू कमाई रुपए अपने शुरुआती दिन में 18.0 मिलियन रुपए 150 मिलियन के बजट पर बनी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसने दुनिया भर में रुपए 540 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म एक मजबूत बहादुर पुलिसकर्मी की कहानी बताती है जिस पर अपने ससुर की रहस्यमयी हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। यह 280 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ भारत में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। निर्देशक एन महाराजनी पटकथा की है। एन महाराजनी कहानी द्वारा एन महाराजनी पर आधारित बल्लारासु 2000 एन महाराजनी द्वारा उत्पादित धर्मेंद्र अभिनीत सनी देओल शिल्पा शेट्टी डैनी डेंजोगप्पा राज बब्बर मुकेश ऋषि राहुल देव छायांकन ए रमेश कुमार द्वारा संपादित बी एस बासु सलीम संगीत दिया है आनंद राज आनंद प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स द्वारा वितरित इरोज इंटरनेशनल रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001 कार्यकारी समय 178 मिनट देश इंडिया भाषा हिंदी बजट रुपये 150 मिलियन बॉक्स ऑफिस रुपये 540 मिलियन भूखंड राजशेखर आज़ाद एक ईमानदार डीसीपी जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है लक्ष्य के लिए अपने नाम से अटूट देशभक्ति का उदय हुआ। लेकिन ऐसे हर देशभक्त के लिए समान रूप से प्रेरित आतंकवादी होता है। एक खूंखार आतंकवादी वसीम खान को राज के ससुर और भ्रष्ट डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह कई पुलिस अधिकारी और प्रभावशाली उद्योगपति शंकर सिंघानिया की मदद मिलती है। राज का रास्ता बाधाओं से भरा है लेकिन वह कानून के दायरे में दुष्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राज वसीम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछताछ का
जिम्मा सौंपा जाता है। वसीम को एक विशेष प्रकोष्ठ में रखा गया है, लेकिन फिर भी वह जेल के भीतर से शहर में दंगों की व्यवस्था करता है। राज को पता चलता है कि सूर्य वसीम का साथी है। वह सूर्य को मारता है और अपने दामाद के रूप में उसका अंतिम संस्कार करता है। उसकी पत्नी अंजलि घटना और सूर्य के कुकर्मों से अनजान है। ढालना डीसीपी राजशेखर राज आज़ाद के रूप में सनी देओल, अंजलि सिंह आज़ाद के रूप में शिल्पा शेट्टी। डैनी डेंजोगप्पा शंकर सिंघानिया के रूप में वसीम खान, अल्लाह बख्श के रूप में मुकेश ऋषि डबल रोल, प्रताप सिन्हा के रूप में राहुल देव, राज बब्बर के रूप में डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल पुलिस आयुक्त के रूप में जोगिंदर सिंह के रूप में ओमपुरी, हवलदार मुश्ताक सिंह के रूप में राणा जंग बहादुर, दीपक शिर्के उत्तर प्रदेश के मंत्री वीर बहादुर सिंह के रूप में रजत बेदी, संजय सिंघानिया के रूप में बेस्ट कर्मचारी के रूप में सुरेश भागवत, फ्रांसिस के रूप में सलीम घोष, अवतार गिल एडवोकेट गिल के रूप में आभूषण की दुकान के मालिक के रूप में दिनेश हिंगू, रहीम के रूप में संजय नार्वेकर, रहीम के पिता के रूप में शक्ति कपूर, श्रीमती सूर्य प्रताप सिंह के रूप में रीमा लागू, बिजू खोटे इंस्पेक्टर देशभक्त के रूप में इंस्पेक्टर पाटिल के रूप में शिवारिंदानी, प्रमोद मुथु इंस्पेक्टर माउथो के रूप में प्रमोद माउथो के रूप में धनंजय मांड्रेकर इंस्पेक्टर के रूप में इमाम साहब के रूप में धर्मेश तिवारी, सोफिया हक एक आइटम नंबर ये प्यार के रूप में मलाइका अरोड़ा, आइटम नंबर ये प्यार के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं। शीर्षक वर्टन वालो, गायक रूप कुमार राठौर, दीवाने शान अलका याग्निकी। ये प्यार ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान। रविदी कसम उदित नारायण, अलका याग्निकी, जाना मेन अभिजीत, साधना सरगम, थात नवावी,
आनंद राज आनंद, अलका याग्निकी, स्वागत, वेबसाइट ऑनलाइन, बेंगलोर ने फिल्म को देशभक्ति के रूप में वर्णित किया और फिल्म को ऐसे स्टंट के रूप में वर्णित किया जो जीवंत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता के लिए अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी अत्यधिक लंबी अवास्तविक, अत्यधिक गंभीर और रोमांस की कमी होने के लिए भी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के खालिद मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में फिल्म को मेसी बैंग ए बैंग फिल्म के रूप में वर्णित किया। परिणाम एक सिक्वल बनाने जिसे इंडियन 2 कहा जाएगा और सनी देओल को अभिनीत करने और महाराजन द्वारा निर्देशित करने की घोषणा 2018 में की गई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इंडियन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। भारतीय 2001 फिल्म। इंडियन 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एन महाराजन द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल है और शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और राहुल देव भी अन्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म बल्लारासु की रीमेक है और 26 अक्टूबर 2001 को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ रिलीज हुई थी। ने घरेलू कमाई रुपए अपने शुरुआती दिन में 18.0 मिलियन रुपए 150 मिलियन के बजट पर बनी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में रुपए 540 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म एक मजबूत बहादुर पुलिसकर्मी की कहानी बताती है, जिस पर अपने ससुर की रहस्यमयी हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। यह 280 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ भारत में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली
हिंदी फिल्म थी। निर्देशक एन महाराजनी, पटकथा की है एन महाराजनी, कहानी द्वारा एन महाराजनी पर आधारित बल्ला रासु 2000 एन महाराजनी द्वारा उत्पादित, धर्मेंद्र अभिनीत, सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगपा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि, राहुल देव, छायांकन ए रमेश कुमार द्वारा संपादित, बी एस बासु सलीम, संगीत दिया है आनंद राज आनंद, प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स द्वारा वितरित, इरोज इंटरनेशनल, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001, कार्यकारी समय 178 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बजट ₹150 मिलियन, बॉक्स ऑफिस ₹540 मिलियन, भूखंड राजशेखर आज़ाद, एक ईमानदार DCP जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है, लक्ष्य के लिए अपने नाम से अटूट देशभक्ति का उदय हुआ, लेकिन ऐसे हर देशभक्त के लिए समान रूप से प्रेरित आतंकवादी होता है। एक खूंखार आतंकवादी वसीम खान को राज के ससुर और भ्रष्ट DGP सूर्य प्रताप सिंह, कई पुलिस अधिकारी और प्रभावशाली उद्योगपति शंकर सिंघानिया की मदद मिलती है। राज का रास्ता बाधाओं से भरा है, लेकिन वह कानून के दायरे में दुष्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राज वसीम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछताछ का जिम्मा सौंपा जाता है। वसीम को एक विशेष प्रकोष्ठ में रखा गया है, लेकिन फिर भी वह जेल के भीतर से शहर में दंगों की व्यवस्था करता है। राज को पता चलता है कि सूर्य वसीम का साथी है, वह सूर्य को मारता है और अपने दामाद के रूप में उसका अंतिम संस्कार करता है। उसकी पत्नी अंजलि घटना और सूर्य के कुकर्मों से अनजान है। ढालना DCP राजशेखर राज आज़ाद के रूप में सनी देओल, अंजलि सिंह आज़ाद के रूप में शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगपा, शंकर सिंघानिया के रूप में वसीम खान, अल्लाहबख्श के रूप में मुकेश ऋषि, डबल रोल प्रताप सिन्हा के रूप में राहुल देव, राज बब्बर के रूप में DGP सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल,
पुलिस आयुक्त के रूप में, जोगिंदर सिंह के रूप में ओमपुरी, हवलदार मुश्ताक सिंह के रूप में राणा जंग बहादुर, दीपक शिर्के उत्तर प्रदेश के मंत्री वीर बहादुर सिंह के रूप में रजत बेदी, संजय सिंघानिया के रूप में बेस्ट कर्मचारी के रूप में सुरेश भागवत, फ्रांसिस के रूप में सलीम घोष, अवतार गिल एडवोकेट गिल के रूप में आभूषण की दुकान के मालिक के रूप में दिनेश हिंगू, रहीम के रूप में संजय नार्वेकर, रहीम के पिता के रूप में शक्ति कपूर, श्रीमती सूर्य प्रताप सिंह के रूप में रीमा लागू, बिजू खोटे इंस्पेक्टर देशभक्त के रूप में इंस्पेक्टर पाटिल के रूप में शिवा रिंदानी, प्रमोद मुथु इंस्पेक्टर माउथो के रूप में प्रमोद माउथो के रूप में धनंजय मांड्रेकर इंस्पेक्टर के रूप में इमाम साहब के रूप में धर्मेश तिवारी, सोफिया हक एक आइटम नंबर ये प्यार के रूप में मलाइका अरोड़ा, आइटम नंबर ये प्यार के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं, शीर्षक वर्टन वालो, गायक रूप कुमार राठौर, दीवाने शान अलका याग्निकी, ये प्यार ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान, रविदी कसम, उदित नारायण, अलका याग्निकी, जाना मेन, अभिजीत, साधना सरगम, थात नवावी, आनंद राज आनंद, अलका याग्निकी, स्वागत, वेबसाइट ऑनलाइन बेंगलोर ने फिल्म को देशभक्ति के रूप में वर्णित किया और फिल्म को ऐसे स्टंट के रूप में वर्णित किया जो जीवंत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता के लिए अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी अत्यधिक लंबी अवास्तविक, अत्यधिक गंभीर और रोमांस की कमी होने के लिए भी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के खालिद मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में फिल्म को मेसी बैंग ए बैंग फिल्म के रूप में वर्णित किया। परिणाम एक सिक्वल बनाने जिसे इंडियन 2 कहा जाएगा और सनी देओल को अभिनीत करने
और महाराजन द्वारा निर्देशित करने की घोषणा 2018 में की गई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इंडियन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। भारतीय 2001 फिल्म। इंडियन 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एन महाराजन द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल है और शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि और राहुल देव भी अन्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म बल्लारासु की रीमेक है और 26 अक्टूबर 2001 को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ रिलीज हुई थी। ने घरेलू कमाई रुपए अपने शुरुआती दिन में 18.0 मिलियन रुपए 150 मिलियन के बजट पर बनी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में रुपए 540 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म एक मजबूत बहादुर पुलिसकर्मी की कहानी बताती है, जिस पर अपने ससुर की रहस्यमयी हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। यह 280 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ भारत में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। निर्देशक एन महाराजनी पटकथा की है। एन महाराजनी कहानी द्वारा एन महाराजनी पर आधारित बल्लारासु 2000 एन महाराजनी द्वारा उत्पादित धर्मेंद्र अभिनीत सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोगप्पा, राज बब्बर, मुकेश ऋषि, राहुल देव, छायांकन ए रमेश कुमार द्वारा संपादित बीएस बासु सलीम, संगीत दिया है आनंदराज आनंद प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 178 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बजट रुपये 150 मिलियन। बॉक्स ऑफिस रुपये 540 मिलियन। भूखंड राजशेखर आज़ाद, एक ईमानदार डीसीपी
जिसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है। लक्ष्य के लिए अपने नाम से अटूट देशभक्ति का उदय हुआ, लेकिन ऐसे हर देशभक्त के लिए समान रूप से प्रेरित आतंकवादी होता है। एक खूंखार आतंकवादी वसीम खान को राज के ससुर और भ्रष्ट डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, कई पुलिस अधिकारी और प्रभावशाली उद्योगपति शंकर सिंघानिया की मदद मिलती है। राज का रास्ता बाधाओं से भरा है, लेकिन वह कानून के दायरे में दुष्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राज वसीम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछताछ का जिम्मा सौंपा जाता है। वसीम को एक विशेष प्रकोष्ठ में रखा गया है, लेकिन फिर भी वह जेल के भीतर से शहर में दंगों की व्यवस्था करता है। राज को पता चलता है कि सूर्य वसीम का साथी है। वह सूर्य को मारता है और अपने दामाद के रूप में उसका अंतिम संस्कार करता है। उसकी पत्नी अंजलि घटना और सूर्य के कुकर्मों से अनजान है। ढालना डीसीपी राजशेखर राज आज़ाद के रूप में सनी देओल, अंजलि सिंह आज़ाद के रूप में शिल्पा शेट्टी। डैनी डेंजोगप्पा शंकर सिंघानिया के रूप में वसीम खान, अल्लाहबख्श के रूप में मुकेश ऋषि, डबल रोल प्रताप सिन्हा के रूप में राहुल देव, राज बब्बर के रूप में डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल पुलिस आयुक्त के रूप में जोगिंदर सिंह के रूप में ओमपुरी, हवलदार मुश्ताक सिंह के रूप में राणा जंग बहादुर, दीपक शिर्के उत्तर प्रदेश के मंत्री वीर बहादुर सिंह के रूप में रजत बेदी, संजय सिंघानिया के रूप में बेस्ट कर्मचारी के रूप में सुरेश भागवत, फ्रांसिस के रूप में सलीम घोष, अवतार गिल एडवोकेट गिल के रूप में आभूषण की दुकान के मालिक के रूप में दिनेश हिंगू, रहीम के रूप में संजय नार्वेकर, रहीम के पिता के रूप में शक्ति कपूर, श्रीमती सूर्य प्रताप सिंह के रूप में रीमा लागू, बिजू खोटे इंस्पेक्टर देशभक्त के रूप में इंस्पेक्टर पाटिल के रूप में शिवारिंदानी, प्रमोद मुथु इंस्पेक्टर माउथो के रूप में प्रमोद माउथो के रूप में धनंजय मांड्रेकर इंस्पेक्टर
के रूप में इमाम साहब के रूप में धर्मेश तिवारी, सोफिया हक एक आइटम नंबर, ये प्यार के रूप में मलाइका अरोड़ा आइटम नंबर, ये प्यार के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं। शीर्षक वर्टन वालो, गायक रूप कुमार राठौर, दीवाने शान अलका याग्निकी। ये प्यार ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान, रवि दी कसम, उदित नारायण, अलका याग्निकी, जाना मेन, अभिजीत, साधना सरगम, थात नवावी, आनंद राज आनंद, अलका याग्निकी। स्वागत वेबसाइट ऑनलाइन बेंगलोर ने फिल्म को देशभक्ति के रूप में वर्णित किया और फिल्म को ऐसे स्टंट के रूप में वर्णित किया जो जीवंत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता के लिए अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी अत्यधिक लंबी अवास्तविक, अत्यधिक गंभीर और रोमांस की कमी होने के लिए भी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के खालिद मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में फिल्म को मेसी बैंग ए बैंग फिल्म के रूप में वर्णित किया। परिणाम एक सिक्वल बनाने जिसे इंडियन 2 कहा जाएगा और सनी देओल को अभिनीत करने और महाराजन द्वारा निर्देशित करने की घोषणा 2018 में की गई थी।